नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर राजा और आप देख रहे हैं जूम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जीके का वीडियो सेट कर कुछ नए फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको 10 ऐसे देशों के बारे में बताऊंगा जहां पे भारत के करेंसी की वैल्यू वहां पे बहुत ही ज़्यादा है, यानी किस देश में मेरा रुपया डॉलर के जैसा महंगा है, तो ये आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 10वें नंबर पे है युगांडा। युगांडा का मुद्रा का नाम है युगांडन सिलिप और ये जो देश है पूर्वी अफ्रीका में, ये लैंडलॉक एक देश है, यानी कि ये देश चारों तरफ से जमीनी से घिरा हुआ यह देश है। यहाँ पे कोई पहाड़ी वहाड़ी या कोई समुद्र नदियाँ नहीं है। इसके पूर्व में केनिया, उत्तर में सूडान और पश्चिम में कांगो जैसे देश मौजूद है वहाँ पे। ये बहुत ही गरीब देश है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ के बच्चे क्या हालत है, तो वो ये बहुत ही गरीब देश है। ये एक इंडिया की एक रुपया वहाँ पे हो जाता है 50 रुपया 86 युगांडिन शिलिंग, तो ये बहुत ही एक अच्छा ही बात है युगांडा में हमारे रुपया का। 9वें नंबर पर है कंबोडिया। दोस्तों, कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया का भाग है। ये थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों से घिरा हुआ है। साथ ही कंबोडिया खूबसूरती और पुरातत्व इतिहास के लिए जाना जाता है। दुनिया का सुप्रसिद्ध मंदिर अंकुरवाट मंदिर कंबोडिया में ही है। यहाँ पे देश विदेश से लाखों में यात्री आते हैं ये अंकुरवाट मंदिर देखने के लिए, क्योंकि ये आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। आप भी जाके इस पर लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों, कंबोडिया में हमारे 1 रुपये की बराबर 55 रुपया 33 कंबोडियन रियाल के बराबर हो जाता है, यानी अगर आप 10,000 रुपये लेकर भी कंबोडिया जाते हैं तो आप मज़े से पूरे देश घूम सकते हैं और वहाँ का निरीक्षण कर सकते हैं, अंकुरवाट मंदिर भी देख सकते हैं। 8वें नंबर पे है पैराग्वे। ये दक्षिण अमेरिका के मध्य भाग में बसा हुआ देश है। ये दुनिया के चंद देशों में से है जिनकी सीमाएं समुद्र को नहीं छूती, यानी कि ये लैंडलॉक देश है। पैराग्वे जो है प्रकृति के बहुत ही करीब है। यहाँ घने जंगल, वर्षावन और जंगली जीवों की तमाम प्रजातियाँ हैं जो पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। लेकिन दोस्तों, इंडिया के 1 रुपया वहाँ पे 94 रुपया 20 पैसा पर ज्ञान गयाराने के बराबर हो जाता है, यानी अब ये आपके लिए बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन हो सकता है। 7वें नंबर पे है उज्बेकिस्तान। सोवियत रूस से अलग हुआ ये देश ताशकंद, समरकंद और बुखारा जैसे शहरों से यह प्रसिद्ध है। यहाँ पे उज्बेकिस्तानी सोम नाम की मुद्रा चलता है। इंडिया की 1 रुपया वहाँ पे 118 रुपया 8 पैसा उज्बेकिस्तानी सोम हो जाता है, जो बहुत ही अच्छा है इंडिया का रुपया वहाँ पे। वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियाँ वादियाँ देखने के लायक है। दोस्तों, 6ठे नंबर पे है लाओस। ये दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। इसकी सीमाएं उत्तर दक्षिण में म्यांमार, दक्षिण में म्यांमार और पश्चिम में सूडान से ये देश यहाँ पे मिलती है। इसे हजार हाथियों की भूमि भी कहा जाता है। ये देश मेकोंग नदी और पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बुद्ध मोनेस्टिक भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ भी हमारे देश की मुद्रा की वैल्यू बहुत ही अच्छी है। इंडिया की 1 रुपया वहाँ पे 127 रुपया 39 लियो किप के बराबर हो जाता है, जो बहुत ही अच्छा है और वहाँ पे आपको बहुत ही अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे जाकर घूमने का। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात दोस्तों यह है कि यहाँ पे वीज़ा और अराइवल की सुविधा भी है। कहने का मतलब है कि आपको वहाँ पे डायरेक्ट वीज़ा लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ एयरपोर्ट पे ही आपको वीज़ा और अराइवल की सुविधा मिल जाती है, जो वहाँ पे वीज़ा लेके आप पूरे देश को बहुत ही आसानी से घूम फिर सकते हैं। 5वें नंबर पे है गिनिया। ये पश्चिम अफ्रीका के बहुत ही गरीब देश है। यहाँ भी मेरी मुद्रा की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। यहाँ इंडिया की 1 रुपया 137 रुपया 86 गुनियान फ्रैंक के बराबर है। 4ठे नंबर पे है सीरिया लियोन। सीरिया लियोन बहुत ही गरीब देश है। यहाँ पे अर्थव्यवस्था काफ़ी तरह ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे हर आदमी बहुत ही गरीब है, कंगाले का हालत है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गरीब है, जो आप यहाँ पे इस पिक में आप देख रहे होंगे। यहाँ भी इंडिया के पैसे की वैल्यू ज़्यादा है। 1 रुपया इंडिया की वहाँ पे हो जाता है 138 रुपया 20 पैसा सीरिया लियोन के बराबर हो जाता है। 3रे नंबर पे वियतनाम। वियतनामी मुद्रा का नाम है वियतनामी डोंग। यहाँ भी इंडिया की 1 रुपया वहाँ पे 193 रुपया 55 वियतनामी डोंग के बराबर हो जाता है, जो अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है।
दोस्तों वियतनाम बहुत ही खूबसूरत स्थान है और ये प्रकृति के बहुत ही नज़दीक है, क्योंकि यहाँ पे झरने, पहाड़ियाँ, बहुत से वादियाँ आपको देखने पे मिल जाता है, जो बहुत ही आकर्षक का केंद्र बना हुआ, जो आप देख भी रहे होंगे। दूसरे नंबर पे है इंडोनेशिया। बाली सुमाड़ी द्वीपों के जैसा देश है ये इंडोनेशिया। सुदूर पूर्व में ये ऑस्ट्रेलिया के पास है। यहाँ भी भारतीय रुपये के जलवे है यहाँ इंडोनेशिया में। यहाँ पे इंडोनेशिया में इंडिया के 1 रुपया 316.65 रुपया इंडोनेशियन रुपया के बराबर हो जाता है, जो अपने आप में बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार वाली बात है। हर साल इंडोनेशिया लाखों भारतीय घूमने के लिए जाते हैं। आप भी बहुत ही कम पैसों में इंडोनेशिया की यात्रा कर सकते हैं, जो आपके लिए अभी अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 1 पर है ईरान। मिडिल ईस्ट में भारत का सहयोगी देश ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान और इराक जैसे देशों से घिरा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे इंडिया के 1 रुपया वहाँ पे 574.45 ईरानी रियाल के बराबर है, जो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा है। दोस्तों अमेरिका का काफ़ी प्रतिबंध लगाने के कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था काफ़ी गिरी हुई है, इसीलिए इंडिया की 1 रुपये वहाँ पे इतने पैसे के बराबर हो जाता है। तो आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे बहुत सारे विशालय ऐसी हैं देखने के लायक पर्यटन, जो आप वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, जो काफ़ी खूबसूरत का आकर्षक बना हुआ है, तो आप अभी जाके देख सकते हैं। ये भारतीय सभ्यता के अंग होने के कारण यहाँ पर अर्थव्यवस्था काफ़ी बिखरी हुई है। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे ऐतिहासिक स्थल है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक यहाँ पे आते हैं। दोस्तों इसके अलावा हंगोई, मंगोलिया, श्रीलंका, नेपाल, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे इंडिया के 1 रुपये की वैल्यू उस देश में बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप 10,000 रुपये भी लेके जाते हैं इस सब देश में, तो आप मज़े से पूरे देश घूम सकते हैं और खा पी रह सह सकते हैं। तो आप 10,000 रुपये लेके जाएंगे और वहाँ पे घूम फिर करके ऐश मौज करके आप पूरे देश को घूम फिर करके भी आ सकते हैं, क्योंकि मेरी इंडिया की जो वैल्यू है इस देश में ज़्यादा है पैसे की। और इस देश में आप घूम फिर भी सकते हैं, वो भी बहुत ही कम खर्चे पर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कर ले। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर ले। तो वीडियो के बारे में फीडबैक देना मत भूलिएगा दोस्तों। तो जब तक के लिए जय हिंद।